हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि 5 डिसमिल जमीन का लंबाई चौड़ाई क्या होता है। इसके ऊपर आज हम बहुत विस्तृत जानकारी देने वाले हैं कि देखिए, कहने का मतलब है अभी तक जो प्रश्न हम बताने वाले हैं, मतलब प्रश्न के ऊपर जिस प्रकार से भी हम बात करेंगे वह सिर्फ 5 डिसमिल जमीन का लंबाई चौड़ाई क्या होता है उसके ऊपर हम सिर्फ बात करेंगे। लेकिन आपके माइंड में उठता होगा कि मेरा जमीन है 10 डिसमिल या 2 डिसमिल या 5 डिसमिल या 15 डिसमिल, तो बहुत ज़्यादा या कम जो भी हो सकता है। मान लीजिए कि 10 डिसमिल, अभी तो हम 5 डिसमिल के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको 10 डिसमिल के बारे में जानना है या 20 डिसमिल जानना है, जो भी जानना है, तो आपको जानकारी के लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ। यह नंबर पर आप फ़ोन लगाकर या व्हाट्सएप पर आप जानकारी ले सकते हैं। और चलिए, अभी तो मैं बात करूंगा कि 5 डिसमिल जमीन का लंबाई चौड़ाई कितना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का, जैसे कि मान लीजिए कि 10 डिसमिल जमीन का लंबाई चौड़ाई कितना होगा, यह जानने के लिए आप इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीरज मेहता अमीन। चलिए, मैं बात करूंगा मेन टॉपिक के ऊपर, जिस प्रकार से मैं अभी बात किया था कि 5 डिसमिल जमीन का लंबाई चौड़ाई क्या होता है उसके ऊपर। देखिए, यदि लंबाई 35 फीट हो तो, सॉरी यहाँ लंबाई नहीं है, चौड़ाई लिखना चाहिए था, सॉरी कोई बात नहीं। यदि लंबाई 35 फीट हो तो चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई जो भी होगा, देखिए जो भी होगा 62.22, यानी कि 62 फीट लंबाई और 35 फीट चौड़ाई, यह आपका 5 डिसमिल होगा। दूसरा बात करने वाला हूँ, यदि लंबाई 50 फीट है तो इसका चौड़ाई क्या हुआ। 5 डिसमिल जमीन का लंबाई चौड़ाई हमको जानना है, जिसका लंबाई है 50 फीट, तो चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई होगा आपका 43.56 फीट, समझे, यानी कि 43.5 फीट होगा कुल मिला के, समझिए। और फिर दूसरा बात करूँगा, इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग लंबाई चौड़ाई लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 5 डिसमिल जमीन का लंबाई चौड़ाई क्या होगा, तो लंबाई, यदि लंबाई 55 फीट है तो, मतलब यदि 5 डिसमिल जमीन का लंबाई अगर 55 फीट है तो इसका चौड़ाई क्या होगा, तो इसका चौड़ाई जो होगा यह 39.6 फीट होगा, समझे, यह होगा। तो चलिए, मैं जो बात करने वाला था वह तो बात कर ही दिया। कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर माइंड में आपका उठता होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसका जवाब ले सकते हैं, जो भी आपका माइंड में प्रश्न आ रहा है। और उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे ही दिया हूँ, यह नंबर पर और जानकारी आप ले सकते हैं, नो दिक्कत।